जय श्रीमद नारायण मित्रों। मित्रों, महर्षि पाराशर बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 14वें अध्याय में 16 श्लोक लिखा है, जिसमें 5 श्लोक धन लाभ योग के विषय में लिखा है। इसी प्रकार कुछ श्लोक धन हानि के लिए भी लिखा है। तो आज हम 5वें श्लोक को देखेंगे, क्योंकि आज के पहले हमने 4 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। तो अगर आपने उन सारे वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाइए, वहां जाकर के उन सारे वीडियोज को और भी अन्य बहुत सारे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 5वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पाराशर 5वें श्लोक में कहते क्या है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि धने से केंद्र राशि स्थे, लाभे से वा त्रिकोण गे, गुरु शुक्र युते दृष्टे, धन लाभम दिशेत बुधः। मित्रों, महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में धनेश यानी सेकंड हाउस का मालिक अगर फर्स्ट हाउस में लग्न में बैठा हो तथा लाभेश भी लग्न में हो या फिर 5वें या 9वें किसी त्रिकोण में हो, साथ ही उसके साथ में गुरु या शुक्र हो या फिर उनकी दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को बहुत धन लाभ का योग बनता है। ये जातक प्रतिदिन कहीं न कहीं से इसको धन की प्राप्ति होती ही है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई दुविधा हो या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी हो, तो आप हमारे यूट्यूब पर आइए और वहाँ किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ प्रश्न भी लिख छोड़िए। जैसे ही हमको समय मिलेगा, हम आपके प्रश्न का बिल्कुल निःशुल्क और समुचित उत्तर वही यूट्यूब पर ही आपको दे देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।